चला पहले सिग्नल सप्लाई ना हो गया बेल्ट लगाने का और पीछे बेल्ट नहीं तो बेल्ट लगा लो, आगे से चालू है 8 दिन में बेल्ट लगाने का, नहीं तो फाइन पड़ेगा। बेल्ट लगाना है दादा। आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। मुंबई आरटीओ ने नया कानून पास किया है कि ड्राइवर के साथ पीछे बैठे लोगों को भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, जिससे कि कोई भी दुर्घटना से पड़ोसियों को बचाया जा सके। इस मामले में मुंबई टैक्सी यूनियन ने इस कानून का विरोध किया। आज 1 तारीख से ये कानून मुंबई में लागू किया गया है और कुछ दिनों की मोहलत दी गई है ताकि जिन्होंने अपनी गाड़ियों में सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं वो जल्द से जल्द सीट बेल्ट लगा लें। इस कानून के संदर्भ में हमने मुंबई पुलिस के अधिकारी से बात की, देखिए उन्होंने इस कानून के संदर्भ में क्या कहा। इस समय हम मुंबई के काफ़ी व्यस्त इलाके में है, जो कि परेल इलाका है। एफ साउथ की बिल्डिंग जो है महानगर पालिका की हमारे पीछे है, यहाँ देख सकते हो आप किस संख्या में यहाँ पे ट्रैफिक होती है। और यहाँ पे मुंबई के ट्रैफिक पुलिस द्वारा जो है जागरूक किया जा रहा है सभी चालकों को, जो कि गाड़ियां चलाते हैं, कार चलाते हैं। जिस तरीके से मुंबई के अंदर एक नया नियम लागू किया गया है कि ड्राइवर के साथ साथ पीछे बैठे पैसेंजर्स को भी जो है सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है, और वो भी इसके लिए कि कोई दुर्घटना अगर हो तो उनकी जान जो है सीट बेल्ट के द्वारा बचाई जा सके। मेरे साथ में पुलिस के ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी हैं। सर, ये नियम कब से लागू किया गया है? आज से 1 तारीख से ये नियम चालू किया है जी, आज से चालू होगा। जिसको बेल्ट नहीं, हम समझा रहे गाड़ी वाले को बेल्ट लगाने को, जिसको मालूम नहीं उसके बारे में हम मालूमत कर रहे हैं उसको जी। उसको अभी सुधरने को 8-10 दिन लगेंगे। बेल्ट, जिसको बेल्ट नहीं वो बेल्ट लगाएंगे, जिसको बेल्ट है वो लगा रहे हैं, जिसको मालूम नहीं उसको हम समझा रहे जी। उसको मालूम होने के बाद तो वो लगाएंगे ना। बिल्कुल। हाँ। सर, मैं अगर बात करूँ कि ये कानून जो लागू किया गया है, क्या जनता की इसमें सेफ्टी है? नहीं, जनता के सेफ्टी के लिए तो किया है ना, बेल्ट लगाना जनता के सेफ्टी के लिए है। बेल्ट नहीं लगाए तो दुर्घटना बढ़ती है, होती है, उसके लिए गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि ये बेल्ट लगाना जरूरी है। सर, ये पूरे मुंबई भर में इस तरह से सतर्कता मुहिम चलाई जा रही है ट्रैफिक पुलिस द्वारा? हो, ट्रैफिक पुलिस द्वारा ये पूरे मुंबई में ये मुहिम चालू कर दिया है आज से। हम समझा रहे हैं, हमारे ट्रैफिक अमलदार सब तरफ मुंबई में समझा रहे हैं जी। यस सर, अगर मान लीजिए इसके बाद में अगर कानून का जो पालन नहीं करता है, दुर्लक्ष करता है कानून को, तो उन पे क्या कार्रवाई की जाएगी? उनके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, समझा दिया जाएगा, 2-4 दिन की मोहलत दी जाएगी। उसके बाद भी नहीं सुधरे तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया जाएगी। बिल्कुल। जैसे कि आपने सुना कि अगर वो नहीं मानते हैं इस बात को, क्योंकि कुछ समय जो है ट्रैफिक पुलिस द्वारा दिया गया है ताकि वो जिनके गाड़ियों में बेल्ट नहीं लगा हुआ है वो बेल्ट लगा के ले लें, ताकि जो है आने वाले समय में कोई कानूनन कार्रवाई उन पे ना हो। जिस तरीके से आज आपने देखा हमारे कैमरे की नज़रों ने उसे कैद किया, कि जिस तरीके से मुंबई के ट्रैफिक पुलिस के सभी अधिकारी जो है, जो चालक हैं या जो पैसेंजर हैं, उनको समझा रहे हैं और उनको इस चीज़ का नॉलेज दे रहे हैं कि जो है आज से कानून लागू कर दिया गया है, तो आप जल्द से जल्द वक्त रहते जो है सीट बेल्ट लगा लें, ताकि आने वाले समय में 8-10 दिन का जिस तरीके से मौका दिया गया है लोगों को जागरूक होने के लिए, और वो जागरूक मुंबई पुलिस द्वारा किया जा रहा है, और अगर उसके बाद में अगर नहीं जागरूक होते हैं और कानून का उल्लंघन किया जाता है तो उनसे जो है सख्ती से निपटा जाएगा और उन पर जो है कानूनी गाज गिरेगी। कैमरामैन सटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस मुंबई। वाले को बेल्ट लगाने का, पीछे बैठे उसको बेल्ट लगाने का, ये जरूरी है। आज 1 तारीख से चालू है बेल्ट लगाने का, पैसेंजर को भी लगाने का। हाँ, समझ लो आज से बेल्ट लगाना चालू है 1 तारीख से। दादा, बेल्ट तो लगाना ये मालूम है, पैसेंजर को भी लगाना ये मालूम है, आज से पैसेंजर को भी बेल्ट लगाना है, ये चालू हो गए है आज से। पैसेंजर को वो भी बिठाने का, पीछे वाले को भी लगाना तो लगा लेने का, आज से कानून चालू हो रहा है। आज से जो बेल्ट लगाया ऐसा सबको लगा दिया, ऐसा बेल्ट लगाने का
सबको लगा दिया। हाँ, आज से चालू है। आज से बेल्ट लगाना चालू है पैसेंजर को भी, ऐसा लगाना दो बैठे लगाओ, आगे वाले को भी लगाने का। आता मतलब 15 दिवसांमध्ये आहे ना, मागच्या सीटचं आहे ना, 15 दिवस दुकानवाल्यांनी सांगितलं 15 दिवसांमध्ये सीट बेल्ट आहे, भयंकर जुन्या गाड्या। मी तुम्हाला सांगतो, तुम्ही 15 दिवसात पण लावण्याची तयारी करा, आम्ही तुम्हाला सांगत आहोत। ओके ओके, कमीत कमी पुढच्याला लावू शकता, पुढच्याला आम्ही नक्की लावू, पण 15 दिवसाची आम्हाला दुकान बेल्ट लागणं जरुरी आहे, हे मालूम आहे। पैसेंजर को भी लगाने का, पीछे बैठे उसको लगाने का, आगे वाले को भी लगाने का। मेरी बात समझो, तुमको मोहल्लत हमने दिया है, बना लो बे, कम से कम 200 ओके, चला पहिले सिग्नल कुठला लावू द्या, बेल्ट लगाने का, हेलो, हाँ बेल्ट लगाने का, और पीछे बेल्ट नहीं तो बेल्ट लगा लो, आगे से चालू है, 8 दिन में बेल्ट लगाने का, नहीं तो फाइन पड़ेगा, बेल्ट लगाना है। अरे टैक्सी हम क्या बोल रहे वो समझा रहे तुमको, आगे वाले को भी लगाने का, पीछे वाले को भी लगाना, ये जरूरी आज से चालू है। जरूर बताना, पीछे वाले पर सीट भी लगाना जरूरी है, वो शासन जी आदमी उधर कायदा निकाला चालू कर रहा है पीछे से। मुंबई पुलिस द्वारा जनता को इस कानून के प्रति जागरूक किया जा रहा है, सभी चालकों और प्रवासियों को जागरूक किया जा रहा है। इससे पहले मुंबई पुलिस ने बाइक सवारों के लिए भी एक कानून पास किया था, जिसमें पीछे बैठे लोगों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया। अब देखना यह होगा कि पर्सी या चालक इस कानून का कितना पालन करते हैं। मुंबई से प्रेस एक्सप्रेस की रिपोर्ट। ओके, चला पहिले सिग्नल कुठला लावू द्या, बेल्ट लगाने का, हॅलो, हां बेल्ट लगाने का, और पीछे बेल्ट नाही तर बेल्ट लगा लो, आगे से चालू है, 8 दिन में बेल्ट लगाने का, नाही तर फाईन पडेगा, बेल्ट लगाना है। अरे टैक्सी दादा, बेल्ट लगाना आज से चालू है।